हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 17 जुलाई की शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी, बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको वैसे याद ही रहना चाहिए, बाकी अगर सॉल्व करना है तो आप पहले इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पर और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टू ए बी कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका करोगे तो बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉट थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए तो वन माइनस टू कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी नहीं माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू वन होती है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इक्वल, तो फर्स्ट का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स है तो एक्स फाइव प्लस वन बाई एक्स फाइव की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू होती है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए और एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए जो कि माइनस सिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या निकालेंगे? छः का स्क्वायर 36 माइनस दो 34, 34 आ गया, तो ये इसकी जगह तो 34 आ गया, ठीक है। और एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे? छः का क्यूब माइनस 216 माइनस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 216 प्लस 18 माइनस 198 आ गया, तो यहाँ पे माइनस 198 आ गया, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाएगा? माइनस 198 गुणा 34 माइनस माइनस 6, माइनस 198 गुणा 4 34 प्लस 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 12 माइनस 6 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा, 6 यूनिट डिजिट 2 में है। और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो 200 गुणा 34 कितना हो जाएगा? 600, आंसर 600 में ही आएगा, 34 गुणा को 2 68, 6800 से थोड़ा सा कम ये आ जाएगा, 2 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइबस द ट्राइंगल ए बी सी हूज साइड्स आर 16, 30 और 34, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी और बी प्लस सी माइनस ए, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। तो यहाँ ए बी सी ये है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 16 इंटू 30 इंटू 34, यहाँ क्या आ जाएगा? 30 30 60 70, 30 30 60 70 80, 80 इंटू 30 और 30 60 64, 64 माइनस 16 48 और इसका अंडर रूट रहता है, ठीक है। और ये आ जाएगा 30 40 46, 46 माइनस 34 कितना हो गया? 12, ठीक है। फिर अपने और कौन से रह गए? दो ये रह गए, 30 40 50 माइनस 30 20, जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमारी आ जाएगी 17, तो थर्ड में आ गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा था एक बार रिमाइंड कर, यहाँ पे अंडर रूट आता है, अंडर रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन क्वालिटी ऑफ राइस 45 पर केजी इज मिक्स्ड विद अनदर क्वालिटी एट सर्टेन रेट इन द रेशियो 3:2,
मिक्सर दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो 45 50 हो जाता है। ये हमें निकालना है, रेशियो है 3:2। 50 माइनस 40 5, 2 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 × 3, 15/2 7.5 हो गया। यहाँ 7.5, 7.5 का मतलब 57.5 हो गया ये। तो फोर्थ के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 277 और 323, तो यह है 300 + 23 इंटू 300 - 23, 300 का कितना हो गया 90,000 माइनस 23 का 529, तो यह आ जाएगा 71, ठीक है, और आ जाएगा 89, 89,471। पांचवे का आ गया ऑप्शन नंबर 2। छठा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5, एंगल इज 60, 60/360 यानी 1/6, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 5 × 5, यह आ जाएगा 25 × 22, 25 × 22 इंटू 7×42, तो यह आ जाएगा 11/21, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 11/21 इंटू 25, यह आ जाएगी 13.1 सेंटीमीटर। अब है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इसमें से अगर ये माइनस कर दूंगा यानी ये तीनों हटा दिया तो क्या आ गई 2 × AB प्लस BC प्लस CA। 7 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1। 8th है प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट ए टाइपिंग वर्क सेपरेटली इन 10 और 15 आवर्स, ठीक है, 30, 3 और ये 2। आफ्टर टाइपिंग 4 आवर्स अलोन प्रतिमा लीव्स द वर्क, 4 × 3 = 12 यूनिट कंप्लीट करके, तो 18 बच गया कंप्लीट। रिमेनिंग को ये कितने में कर देगी, 18 × 2 = 9 में। 8th के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 2। 9th, ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 7 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना लेगा वो, 1/2 आवर्स तो वो लेगा जर्नी के लिए, ठीक है, और 7 किलोमीटर के लिए वो हर किलोमीटर के बाद में 7 मिनट रुकता है, तो कितनी बार रुकेगा, 1 किलोमीटर पे रुकेगा, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे और 6 पे, 7 पे तो वो पहुंच गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार रुकेगा, 6 × 7 = 42, ठीक है, तो ये कितनी है 30 मिनट + 42 मिनट, 72 मिनट्स, 72 मिनट का मतलब हो गया 1 × 5, तो 9th के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगले आगे है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, -25 × 8 - 200 -50 -250 आ गया, 10 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1। 11 है कॉन्स्टेबल राम 225 मीटर बिहाइंड अ थीफ सोमेश, राम रन्स 50 मीटर इन सोमेश रन 30 मीटर इन ए मिनट, 50/60 5/6 मीटर पर सेकेंड, ये तो राम है, और 1/2 मीटर पर सेकेंड ये है सोमेश, एट वट टाइम विल द कॉन्स्टेबल राम कैच द थीफ, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, 5/6 - 1/2, इसको 6 कर लेते हैं, 5 - 3 = 2/6, 1/3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड होगी, 1/3 मीटर पर सेकेंड, 225/1/3, 225 × 3/60 मिनट में पूछा है क्योंकि 20, 220 + 5/20 और यहाँ 20, 11 मिनट और 15 सेकेंड। 11 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन DI का टेबल बेस्ड, यह है इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, ठीक है, 60% मार्क्स चाहिए, 50 का पेपर है तो 30 या 30 से ज़्यादा, 30 and 30 above कितने हैं मैथ्स के लिए, 33। 12 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो 30 and above है वो 40 and above भी होगा, ठीक है, तो 33 लोग ऐसे हैं जो 30 and 30 से above है,
ट्वेल्व में आ गया ऑप्शन नंबर थ्री। थर्टीन है, 12 men and 16 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 12 men in plus 16 boys into 5 विल बी इक्वल टू 13 men plus 24 boys into 4। 12 पंजे 60, 13 चौक 52, तो 8 m यहाँ आ जाएगा। 16 पंजे 80, 24 चौक 96, 80 और 96 16 b यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेन और बॉय की एफिशिएंसी 2:1 की आ गई। ठीक है, 2:1 की एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क कितना है, 12 into 2 plus 16 into 5, कितने लोग लगे हैं, 29 मैन, यानी 58 plus 22, 5 6 7 8, 80 16, तो ये कितना हो गया, 12 into 2 24, 24 plus 16 2 3 4, 40/16 हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। 13 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक पेरीमीटर ऑफ वन फेस इज 640 सेंटीमीटर। 4a की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 10 हो गई, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 14 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू वैल्यू ऑफ ए वॉशिंग पाउडर इज 29,750। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द शॉपकीपर गेन्स 12%। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मार्क प्राइस निकाल लेंगे हम, तो 29,750 इज इक्वल टू 85% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, 17/20, और ये कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 35,000 आ जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, अब अगर डिस्काउंट कुछ भी नहीं देता तो द शॉपकीपर गेन्स 12%, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज, अब कुछ डिस्काउंट नहीं देता तो मार्क प्राइस ही जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और उस पर 12% का प्रॉफिट है, यानी कि ये अब कितना है, ये 112/100 × कॉस्ट प्राइस कितना है, 35,000। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 31,250। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 16 है, टेबल वॉज बॉट एट 3,000, सोल्ड एट 3,200। फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। 200 रुपये का गेन हो गया 16 में। तो इफ कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है, माइनस में एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 10x क्या होगा। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ 10 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी पहली बात। ठीक है, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट 3, और 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अंडर रूट 3, और 10x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, यानी 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 18 है, यूजिंग कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 75। ठीक है, तो कॉस 75 के लिए क्या करेंगे हम, 45 + 30, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2, -1/√2, 1/2, ये आ गया अंडर रूट 3 √2 -1/√2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 -1 √2, √2 को ऊपर नीचे इंटू कर दो, अंडर रूट 6 -√2, और ये आ जाएगा 4। 18 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 19, ए बैग कंटेन्स 550 रुपीज़ इन फॉर्म ऑफ 50, 25 और 20 पैसे, रेशियो है 2, 3 और 5 का। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसे एंड 20 पैसे कितना हो जाएगा, 50 पैसे एंड 20 पैसे, तो यहाँ पे
दो है, 2 × 50 यानी 100 पैसे, प्लस 3 × 25 यानी 75 पैसे, और 5 × 20 यानी फिर 100 पैसे, 100 100 275 पैसे, 275 पैसे लिख लो या 2.75 रुपीज़ लिख लो, ठीक है। इसकी वैल्यू 550 दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 550/2.75, तो एक्स की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। तो 200 आ गई एक्स की वैल्यू, तो ये 200 गुना ये 400, ये 600 और ये 1000 आ गया, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसे अमाउंट हो जाएगा, इसको 50 से इंटू करेंगे, इसको 20 से, ये 5 × 20 2000 यानी 20 रुपये, और ये भी 20 रुपये, ठीक है, या 200 रुपये जो भी हो रहा है, लेकिन ये बराबर हो रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 20, 132 से डिविजिबल है, तो 132 में कितना है, 12 × 11, 4 × 3 × 11। तो पहले सबसे पहले 3 से देख लेते हैं, 6 और 6 ये तो है, 7 और 4 9 ये नहीं है, 3 से ये भी 3 से है, 5 4 9 ये भी है, 6 और 6 ये 3 से नहीं है, ये 3 से है, 5 4 9 10 11 ये 3 से नहीं है, 7 8 9 ये भी 3 से नहीं है, ठीक है। अब 11 से ये है, 7 और 4 ये तो कट गया वैसे, 9 और 4 13 - 2 ये है, 4 2 6 ये भी है, 6 और 5 11 ये कट गया, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और 4 से भी है जो भी है। तो 20 के अंदर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4, 4 नंबर ऐसे हैं जो 132 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 16 और 8 इज 26, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये होती है d² - r - r² का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 26² - 16 - 8² का अंडर रूट, 676 - 64, 2 1 6, 612 का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 4 × 153, 2 √153, ये इसका आंसर आ गया, 21 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन थाउजेंड बिटवीन स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ऑल कंपनीज इन 2014 एंड 2012, तो 2014 में कितना है, इन सब का सम ले लो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7 और 4 = 11, 11 और 8 11 और 8 19 और 8 19 और 8 27, 2 9 10, 3 13 और 3 16, 16 और 9 25, 2 3 4 5 65.7। 2012 में कितना हो गया, 8 और 6 = 14 और 4 18, 18 और 9 27 और 8 35, 9 और 4 = 13 और 3 = 16, 16 16 और 9 = 25, 27, 2 3 4 5 57.5, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 और ये 8 यानी 8200। 22 के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 1। 23 है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन इलेक्टोरल बोर्ड कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, ठीक है, तो 100 में से 90 लोगों ने वोट दिया, 50% ऑफ द वोस्ट वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, तो वैलिड कितने रह गए, 17/20 × 90, जीता सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, 60% ऑफ द वैलिड वोट्स मिले जीता को, ये टोटल है। अब इसका 60% कितना हो गया, 3/5, ये वैल्यू है 9180 की, ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000, तो टोटल वो पोल्स कितने हो गए, 2000 × 200, 2 लाख। 24 में आ गया,
ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर विथ एन इंक्रीज ऑफ 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। आफ्टर 4 ईयर्स ही पेड 4600 रुपये टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कम्प्लीटली। हाउ मच वॉज द लोन? ठीक है, तो 5 चौका 20% तो वैसे ही हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, फिर पहले साल में 0.5, दूसरे साल, पहले साल मतलब सेकेंड ईयर में 0.5, थर्ड ईयर में 0.1 और फोर्थ ईयर में 0.15, यानी 0.5, 0.1 और 0.15, 15, 25 और 5, 30, 0.3% और एक्स्ट्रा लगा उसकी। तो ये 20.3% की वैल्यू जो है ये 4600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4600 बटे 20.3%। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, 0.05 की नहीं, 0.5 की है इंक्रीज़, है ना। तो पहले साल में 5, फिर 5.5, फिर 6 और फिर 6.5, 6 6 12 और 6 6 12 और 1 13, 13 और 10, 23% की वैल्यू 4600 है, तो 1% की वैल्यू 220,000 होगी। 24 में आ गया ऑप्शन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 24। सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइन द वर्क टू डिज़ाइन अ रूम फॉर सेरेमनी। सार्थक कैन डिज़ाइन द एंटायर रूम इन 12 डेज। ठीक है, सार्थक 12 डेज, मोहन कैन डिज़ाइन द रूम इन 15 डेज। ये 60 आ गया, यहाँ 5 और यहाँ 4। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीट इफ दे वर्क टुगेदर? 60 बटे 9, 9 6 54 और 6 बटे 9 आ गया, 6 2/3 आ गया, यानी कि 6.67 डेज। 25 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 17 जुलाई की शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमारी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर ये 7वीं वीडियो होगी। ठीक है, अब जल्दी ही हम पूरी 39 वीडियोस अपलोड कर देंगे आपके लिए। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो, लाइक आप वीडियो कर दो, सब्सक्राइब चैनल को कर दो। ठीक है, और अगर कुछ चेंज चाहिए आपको टेक्निक में कि या तो पूरा समझाओ या एग्ज़ाम अप्रोच में बताओ, वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।